Hello students, today in this video we will study about potential due to an electric dipole. Okay, in previous lecture we have studied that there is any point hai pata hai ki jab bhi koi ek point hota hai and there is charge q aur isse r distance par यानी कि ये डिस्टेंस है आर डिस्टेंस आपको कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी होती तो वो वैल्यू होती थी हमारी के क्यू अपॉन आर. ओके, अब हम देखते हैं उस कंडीशन में, अब हम देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल. यानी कोई एक हमारे पास में एक डाइपोल होगा और उसके एक्सिस में हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल. Okay, so let us consider there is a dipole. This is the minus q charge and this is plus q charge. It is the center of the dipole. We can consider as O. हमें पता है कि जो total length होती है dipole की होती है 2L. So this is L and this is also L. और इसके एक्सिस में हम कोई कंसिडर करते हैं कि इसके सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं. कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर सकते हो लाइक M. ये कोई पॉइंट हमारे पास M है और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. ओके, तो हम इसको कंसिडर करते हैं. दिस इज वन एंड दिस इज टू. ओके, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज की कारण यहाँ पर पॉइंट एम पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी वी वन ड्यू टू चार्ज क्यू वन एट पॉइंट एम. इट विल बी पोटेंशियल वी वन and due to plus q charge it will be v2. So net charge कितना होगा हमारा, v net equals to, this is the scalar quantity, so we can add both the values v1 plus v2. Okay, अब हमें देखना है कि जब भी minus q के कारण जो electric potential at point m होगा उसकी वैल्यू क्या होगी इसके अकॉर्डिंग, के क्यू अपॉन आर. सो हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस क्यू चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन आर. आर थी हमारे पास डिस्टेंस और इस कंडीशन में यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगी एक्स प्लस एल. ओके, दिस इज द डिस्टेंस एक्स प्लस एल. क्योंकि x डिस्टेंस सेंटर तक है और l ये हुई तो ये डिस्टेंस आ गई हमारी x प्लस एल. सिमिलरली फॉर चार्ज प्लस q इट विल बी के क्यू अपॉन और ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी m से सेंटर o तक की डिस्टेंस टोटल x है एंड दिस इज l. सो x में से ये माइनस हो जाएगा और ये आएगी वैल्यू आपकी x माइनस एल. यू कैन राइट के क्यू एज ए कॉमन वैल्यू माइनस वन अपॉन एक्स प्लस एल एंड वन अपॉन एक्स माइनस एल. दिस इज के क्यू. वी कैन टेक एलसीएम एक्स प्लस एल एंड एक्स माइनस एल. ये हमारा एलसीएम हुआ. तो जब इसमें वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं. यहाँ पे ये वैल्यू आएगी हमारी माइनस एक्स माइनस एल प्लस एक्स प्लस एल. ये कैसा है, एक्स प्लस एल से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी एक्स माइनस एल. तो उसको एक्स माइनस एल को मैंने यहाँ रखा है और ये नेगेटिव वैल्यू पहले से ही है, पॉजिटिव साइन. जब एक्स माइनस एल से इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू बचेगी एक्स प्लस एल और एक्स प्लस एल की मल्टीप्लाई वन से तो ये वैल्यू आ गई हमारी. और नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा आपका के क्यू और उसको ओपन कर सकते हैं माइनस एक्स प्लस एल. ये साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे
plus x plus n, and this is, और ये इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा आइडेंटिटी, a plus b, a minus b का होता है a square minus b square, so this is x square minus l square. Now v net equals to kq, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x से, ये x की वैल्यू कैंसिल हो गई, तो ये वैल्यू हुई हमारी 2l अपॉन x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर. ओके, v नेट इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, k इंटू 2ql अपॉन x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, एंड वी नो दैट p इजकल टू 2ql, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी p, v नेट इक्वल्स टू k इंटू p अपॉन x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, एंड वी नो दैट इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, x के कंपेयर में हमारी l की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है, तो उसका स्क्वायर और ज़्यादा छोटा होगा, तो आप लिख सकते हो l इज वेरी वेरी लेस देन कंपेयर टू x, तो उसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट, l स्क्वायर टेंस टू जीरो के नियर अबाउट जीरो ले लेंगे, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी v net equals to kp upon x square, और k की वैल्यू होती है हमारी 1 upon 4 pi epsilon naught into, ये हमारी k की वैल्यू p upon x square, और ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो ये वैल्यू आई हमारी जब भी कोई एक पॉइंट m होगा, यानी कि आउटर में यानी कि एक्सियल में, अगर किसी भी एक पॉइंट पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो उस कंडीशन में वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन जितनी भी उसकी सेंटर से डिस्टेंस होगी x स्क्वायर. ओके, और इसके बीच में आप ग्राफ भी बना सकते हो, तो ग्राफ कैसा होगा, जस्ट सपोज करते हैं दिस इज द v एंड दिस इज x के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है x, तो इसका ग्राफ आएगा आपका लाइक दिस, क्योंकि जो v की वैल्यू होगी जैसे जैसे डिस्टेंस आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी उसके अकॉर्डिंग v की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी. ओके, तो ये वैल्यू थी हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इन द एक्सिस. ओके, तो एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आएगी आपकी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू हमारी होती है स्केलर क्वांटिटी होती है. ठीक है, तो उसमें किसी भी डायरेक्शन की नीड नहीं होगी. अब हम देखते हैं सेकंड वैल्यू. नाउ सेकंड, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, या फिर आप बोल सकते हो इक्वेटोरियल पोजिशन. तो इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होगा, हम लेट करते हैं दिस इज ए डाइपोल माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज एंड द डिस्टेंस आर. ओके, एंड फ्रॉम द सेंटर ओ, हमने लेट किया दिस इज द सेंटर ओ, ओ से एक्स डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर मुझे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, लेट कर लेते हैं दिस इज द एम पॉइंट. ओके, और ये टोटल डिस्टेंस होती थी हमारी 2l, सो दिस इज l एंड दिस इज ऑल्सो l. ओके, इस कंडीशन में क्या होगा, दिस इज वन एंड दिस इज टू, सो नेट वी वन प्लस वी टू, हम कंसिडर कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू वी वन एंड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू दैट इज वी टू. ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब भी हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा तो हमें इस डिस्टेंस की नीड होगी, क्योंकि हमें पता है k
कि जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में फाइंड करना होता है जो चार्ज होता है और जिस पॉइंट पर आपको फाइंड आउट करना है, इसके अकॉर्डिंग होता है। यानी कि आपका ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा चार्ज, दिस इज क्यू एंड दिस इज द डिस्टेंस आर। तो ये इस डिस्टेंस की हमें नीड होगी, तो इस डिस्टेंस को निकाल लेते हैं, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस आएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ से परपेंडिकुलर फॉर्म करता है, दिस इज द एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस। सिमिलरली ये हो जाएगी आपकी डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, इसमें हमने पाइथागोरस अप्लाई करा है अपॉन सॉरी प्लस एक्स बी स्क्वायर स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। अब इस कंडीशन में आपका हो जाएगा, ये हमारे पास चार्ज माइनस है, यानी कि माइनस के क्यू अपॉन व्हाट इज द डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली फॉर क्यू टू यानी कि प्लस क्यू, उस कंडीशन में आपका हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल रही है, दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू एंड दिस इज नेगेटिव वैल्यू, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। सो वी नेट इक्वल्स टू जीरो। देन यू कैन से दैट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इक्विटोरियल पोजिशन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी जीरो। ओके, तो ये इस लेक्चर में हमने पढ़ा ऑन द एक्सिस, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, तो पहली कंडीशन में हमारी वैल्यू आई थी के पी अपॉन एक्स स्क्वायर और इसमें इस कंडीशन में हमारी वैल्यू आती है जीरो। ओके।